इस वीडियो में हम बात करेंगे 1965 की फिल्म पियरो लफो के बारे में, जो कहानी है फर्डिनेंड की, जिसने अपनी जिंदगी को मारियान नाम की एक औरत के लिए पीछे छोड़ दिया, ये सोचकर कि वो अपने हर दर्द से भागकर एक ऐसी जिंदगी जी पाएगा जैसी वो जीना चाहता है। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। फर्डिनेंड ग्रिफो एक रईस सोसाइटी में रह रहा आदमी है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं। वो एक टीवी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में काम किया करता था जहाँ से उसे निकाल दिया गया है। एक रात पेरिस की एक पार्टी में जाने पर उसे समझ आया कि उसके आसपास के लोगों की सोच कितनी तुच्छी है और वो इस सोसाइटी और अपनी जिंदगी से आजाद होना चाहता है। और उसे ये आजादी मारियान से मिलने वाली थी जो उसके घर बेबी सिटिंग करने आई थी। मारियान असल में सिर्फ एक बेबी सिटर नहीं बल्कि फर्डिनेंड की एक्स गर्लफ्रेंड है जिससे वो 5 सालों पहले अलग हुआ था। वो मारियान को घर छोड़ने निकला और उन दोनों के बीच बातें होने लगी और उन्हें एहसास हुआ कि वो दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। तब उन दोनों ने फिर एक साथ रहने का फैसला किया। फर्डिनेंड ने वो रात मारियान के घर बिताई पर वो ये नहीं जानता था कि उसके घर में एक आदमी की लाश पड़ी है। उस लाश के बारे में पता चलने पर भी फर्डिनेंड को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो मारियान से प्यार करता है। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर मारियान के साथ रहने का फैसला किया जिसके पीछे कुछ गैंगस्टर्स पड़े हैं। मारियान अब भी अपने बॉयफ्रेंड फ्रैंक के साथ रह रही थी जिसके आने पर उसे बेहोश कर वो दोनों वहाँ से भागने लगे और उस मरे हुए आदमी की गाड़ी लेकर वो पेरिस से निकल गए। वहाँ से निकलते ही वो दोनों जुर्म के रास्ते पर चलने लगे। अब उनके पीछे गैंगस्टर्स के अलावा पुलिस भी थी और वो दोनों अपनी जिंदगी में जोखिम से भरी कहानी बना रहे थे। वो दोनों ही लोगों को कहानियाँ सुनाकर उनसे मदद मांगने लगे और उन लोगों को कहानी सुनाकर उन्हें उनसे पैसे मिलने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि 2 लोगों की एक्सीडेंट से मौत हो गई है और पुलिस को चकमा देने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वो लाशें फर्डिनेंड और मारियान की है, उन्होंने अपनी गाड़ी को आग लगा दी और वहां से चले गए। वो दोनों फ्रांस के दूसरे हिस्से में चले आए और फरार अपराधी बनकर जीने लगे जिनकी कोई मंजिल नहीं। मारियान फर्डिनेंड को पियरो बुलाती है जिस नाम का मतलब है उदास जोकर और इस नाम से फर्डिनेंड को तकलीफ है मगर फिर भी मारियान उसे उसी नाम से पुकारती है। मौका मिलते ही उन दोनों ने अगली गाड़ी चुराने की कोशिश की और उसे चुराने में वो कामयाब हुए। उस गाड़ी में पड़े नए कपड़े और सामान मिलते ही उन्होंने अपने पुराने कपड़े जंगल के बीचों बीच छोड़ दिए और वहां से निकल गए। फर्डिनेंड शहर की उस बोरिंग जिंदगी को जीकर अंदर से मर चुका था पर अब मारियान के साथ रहकर और एक एक्साइटिंग जिंदगी जीकर वो फिर से जिंदा हो गया है और अब पहले से ज्यादा खुश है। अब वो जो चाहता है वो कर सकता है और अब कोई उसके साथ रोक टोक नहीं करेगा। इसीलिए दूसरी गाड़ी को नदी में डुबाकर वो दोनों एक नए एडवेंचर पर निकल पड़े। फ्रेंच रिवर के पास ही किसी गांव में वो दोनों एक घर में रहने लगे और उन्होंने अपनी नई दुनिया वही बसा ली। फर्डिनेंड अपना वक्त लिखने में बिताया करता है पर मारियान अब वहाँ रहकर परेशान होने लगी थी क्योंकि उसके पास करने को कुछ नहीं था और उन दोनों के पैसे भी खत्म हो रहे थे। उसे ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि फर्डिनेंड उससे शब्दों में बात करता था जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती और उसे एहसास हुआ कि 5 सालों पहले फर्डिनेंड को छोड़ने का उसका फैसला सही था। दिन पे दिन वो इस बात से परेशान होने लगी और चाहती थी वो लोग यहाँ से निकलकर कुछ एक्साइटिंग करें और किसी एक जगह पर नहीं रुके। उस रिवर के पास कुछ टूरिस्ट आने वाले थे और मारियान चाहती थी कि उन टूरिस्ट को लूटकर वो कुछ पैसे कमाए पर फर्डिनेंड ऐसा नहीं करना चाहता था। फिर भी मारियान के कहने पर वो उसके साथ वहाँ आए टूरिस्ट से पैसे कमाने चला गया। वो उन लोगों को नाटक दिखाने लगे और करतब दिखाने लगे जिसके बदले उन्हें कुछ पैसे कमाने का मौका मिला। फर्डिनेंड और मारियान एक दूसरे से अलग थे जिसकी वजह से उनके झगड़े होने लगे पर वो फिर भी एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। मारियान अपने भाई फ्रेड के पास जाना चाहती थी जो उन्हें पैसे दे सकता है और इसीलिए वो लोग उसे ढूंढने निकले। तभी वहाँ एक बौना आदमी आया जिससे बात करने के लिए मारियान वहाँ ठहर गई। वो बौना आदमी उन गैंगस्टर्स का आदमी है जिनसे मारियान छिप रही है और जिनके पैसे उस गाड़ी में थे जिसे फर्डिनेंड ने जला दिया था। वो बौना आदमी मारियान को किडनैप करके अपने साथ ले गया। मारियान ने ये बात फर्डिनेंड को बताई जो उसे बचाने के लिए दौड़ा और उसके साथ साथ वो दूसरे गैंगस्टर्स भी वहाँ पहुँचे जो मारियान को पकड़ना चाहते थे। पर इससे पहले कि वो लोग मारियान तक पहुँचते मारियान उस बौने आदमी को मारकर वहाँ से भाग गई थी और फर्डिनेंड को लाश के पास खड़ा देख उन गैंगस्टर्स को उस पर शक होने लगा। फर्डिनेंड ये बात जानता था कि जब उसने उस गाड़ी को जलाया तो उस गाड़ी में पैसे मौजूद थे पर उसने ये बात मारियान को नहीं बताई। वो गैंगस्टर्स फर्डिनेंड को टॉर्चर करने लगे और उससे मारियान का पता पूछने लगे और कुछ देर बाद उसने उन्हें मारियान का पता दे दिया जो पास के डांस हॉल में जाने वाली थी।
फर्डिनेंड अपने आसपास मौत देखकर थक चुका था और एक आराम की जिंदगी शांति से बिताना चाहता था, पर क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पा रहा था उसने अपनी जान देने की कोशिश की, पर वो ऐसा नहीं कर पाया। वो मारियान को कई दिनों तक ढूंढता रहा पर वो उसे कहीं नहीं मिली और उसे लगा कि मारियान उसे धोखा देकर वहाँ से भाग गई है। कई दिनों बाद निराश होकर फर्डिनेंड ने मारियान को ढूंढना छोड़ दिया और एक नए शहर में उसने अपनी नई दुनिया बसा ली। वो एक बोट में काम करने लगा जहाँ के लोग अब उसे अच्छे से पहचानने लगे और एक दिन अचानक उसके पास मारियान आई जो उसे पूरे शहर ढूंढ रही थी। मारियान उसे देखकर खुश थी पर फर्डिनेंड को उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इस बात से नाराज था कि मारियान उसे अकेले छोड़ वहाँ से भाग गई। मारियान ने बताया कि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से फर्डिनेंड खतरे में आ जाए, इसलिए वहाँ से दूर भाग गई और उन गैंगस्टर्स से छिपने लगी। कुछ दिनों बाद उसे उसका भाई फ्रेड मिला, जिससे मिलने के बाद उसने फिर फर्डिनेंड को ढूंढना शुरू किया। उसने फर्डिनेंड को वो किताब दी जो वो पीछे छोड़ आया था और कहा कि वो सच में उससे प्यार करती है। और पहले की तरह फर्डिनेंड फिर से अपनी बसाई दुनिया छोड़कर मारियान के साथ वहाँ से भाग आया और उसके भाई फ्रेड से मिलने चला गया। वो दोनों एक बोट लेकर उस शहर से बाहर गए। उस वक्त मारियान ने फर्डिनेंड को अपने माता पिता के बारे में बताया जो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, पर उन्हें अलग होना पड़ा और फर्डिनेंड उससे और सवाल करने लगा क्योंकि वो जानना चाहता था कि मारियान असल में है कैसी। वो उससे फ्रेड के बारे में पूछने लगा जिसे यमन में हो रहे वॉर की वजह से पैसे मिल रहे हैं, पर इन सारे सवालों के जवाब देने के बावजूद कुछ ऐसी बातें थी जो मारियान साफ साफ नहीं बता रही थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि फ्रेड मारियान का भाई नहीं उसका असली बॉयफ्रेंड था। वो दोनों फर्डिनेंड का इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे फर्डिनेंड मारियान के लिए कुछ भी कर सकता है और कुछ दिनों में उन गैंगस्टर्स के बीच पैसों की लेन देन होने वाली है जो लूटने के लिए वो लोग फर्डिनेंड का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने उन गैंगस्टर्स को मारने का प्लान बनाया है और उन्हें मारकर फर्डिनेंड से वो पैसे चुराने के लिए कहा जाएगा और उनका ये प्लान कामयाब होता है। फर्डिनेंड उनके लिए पैसे चुरा लेता है और उन पैसों को लेकर मारियान के पास चला जाता है। मारियान ने उससे कहा कि वो पैसे लेकर फ्रेड से मिलने जा रही है और रात को वो दोनों फर्डिनेंड से शिप के पास मिलेंगे। फर्डिनेंड को अब भी मारियान के प्यार पर शक था, पर मारियान ने उसका शक किसी तरह दूर कर दिया। वो पैसे लेकर फ्रेड के पास जाने लगी और उसने फर्डिनेंड से उसके लिए रुकने के लिए कहा। मारियान पर भरोसा कर फर्डिनेंड वही रुक गया और उसके आने का इंतजार करने लगा, पर वो ये नहीं जानता था कि मारियान फ्रेड के साथ पैसों को लेकर वहाँ से दूर भागने वाली है। जब बहुत देर तक मारियान वापस नहीं आई तो फर्डिनेंड उसके पीछे दौड़ा, पर उसे पहुँचने में देर हो गई और वो दोनों बोट लेकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। फर्डिनेंड को डॉक पर एक आदमी मिला जिसने अपना प्यार खो दिया था और वो पागल हो गया। वो फर्डिनेंड के साथ अपना दर्द बांटने लगा, पर कुछ देर बाद फर्डिनेंड उसका पागलपन देख वहाँ से चला गया और एक बोट में बैठकर वो मारियान का पीछा करने लगा। उसे लगने लगा कि वो खुद भी उस पागल आदमी की तरह हो चुका है और अपना प्यार खोकर वो अपना मानसिक संतुलन खो देने वाला है। वो एक आइलैंड तक पहुंचा जहां उसे एक लड़की मिली और उसकी मदद से वो मारियान और फ्रेड तक पहुंच पाया। गुस्से में उसने फ्रेड और मारियान दोनों को गोली मार दी और मारियान को लेकर उस आइलैंड पर मौजूद घर में आया। उसने पेरिस में रह रहे अपने दोस्त को कॉल किया और फिर मारियान को उठाकर वो कमरे में ले आया। मारियान अब भी जिंदा थी और फर्डिनेंड से माफी मांग रही थी, पर फर्डिनेंड उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। कुछ देर बाद मारियान की मौत हो गई। फर्डिनेंड अपनी पत्नी से बात करना चाहता था पर फिर उसने अपने आप को रोक लिया। उसे एहसास हुआ कि वो उस जिंदगी से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता जिससे वो हमेशा से नफरत करता था और वो अब बिल्कुल वही बन चुका है जो मारियान उसे बुलाया करती थी, एक उदास जोकर। वो ना तो अपने दर्द से दूर भाग पा रहा था और ना ही अपनी किस्मत से, और एक ऐसी जिंदगी जीकर जिसका कोई मतलब नहीं। उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। उसने अपनी जान देने के लिए अपने आप को बम से बांध दिया, पर फिर उसे एहसास हुआ कि वो और जीना चाहता है, पर इससे पहले कि वो बम को फटने से रोक पाता उसकी मौत हो गई और फर्डिनेंड के साथ साथ उसकी पीड़ा भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।